हाय, सो माइसेल्फ पारिक हियर। सो यार, इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, दैट इज टैग्स एंड क्यूज। तुम्हें पता ही है कितने इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं फॉर फ्यूचर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल एंड इंटरव्यूज एज वेल, है ना? कि अगर हमें ट्रीज पढ़ना है, ग्राफ्स पढ़ना है, तो हमें टैग्स एंड क्यूज आने चाहिए, और इंटरव्यूज में इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। तो मैं एक पूरा पाथ बताने वाला हूँ हाउ टू मास्टर टैग्स एंड क्यूज, सो दैट ये तुम्हारा टॉपिक अच्छे से आ जाए, और इस टॉपिक के अगर क्वेश्चन आए तो तुम अच्छे से फोड़ दो, ठीक है? तो एंड तक रहना, एंड यू आई एम श्योर यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ टू मास्टर टैग्स एंड क्यूज। एंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब हो जाएंगे। सो दिस इज अवर डॉक। मैं इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि पहले प्रीरिक्विजिट्स क्या है, फिर स्टैक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्यूज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ रिवर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से करने हैं हमें, कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस है जो हमें करनी है, और कुछ पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो हमें करनी है ना। सबसे पहले मैं प्रीरिक्विजिट्स की बात कर लेता हूँ। स्टैक्स एंड क्यूज पे आना ही नहीं है बिना ये पढ़े हुए। एरेस, लिंक्ड लिस्ट और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से करके आओ। इन टॉपिक्स पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस अच्छे से करके आओ, तभी हम स्टैक्स एंड क्यूज पे आएंगे और तभी हम अच्छे से उनको कर पाएंगे, बिकॉज ये इन्हीं को बेस मान के हम स्टैक्स एंड क्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? तो ये टॉपिक्स तो अच्छे से करके आना ही पड़ेगा, तभी हम इनमें अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? तो दिस वॉज द प्रीरिक्विजिट। अब बात करते हैं कि स्टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एरे और लिंक्ड लिस्ट दोनों तरीके से अच्छे से करना है, है ना? स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? पुश, पॉप, टॉप, इज एम्प्टी, ये सब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के टाइम। तो ये सारे फंक्शंस हमें अच्छे से करने आने चाहिए। एरे से भी स्टैक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लिंक लिस्ट से भी कैसे अटेंड करते हैं, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। मैंने यहाँ लिंक भी दे रखा है, वहां जाके तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, अच्छे से चेक भी हो जाएगा। तो ये पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए, विदाउट दिस वी शुड नॉट मूव ऑन। हमें स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा तो हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे अबाउट दिस इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू भी, क्यू होता है एन क्यू, डी क्यू, इज एम टी, उसमें जो फ्रंट में एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये सारे ऑपरेशन हमें अच्छे से करने होते हैं। तो ये भी यूजिंग एरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, तभी हम इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि स्टैक्स एंड क्यूज अच्छा पीछे हो क्या रहा होता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में। तो इसको अच्छे से कर लेंगे और हमारा बेस सेटअप हो जाएगा फॉर स्टैक्स एंड क्यूज, है ना? हमें समझ में आ जाएगा पुश, पॉप, एन क्यू, डी क्यू के पीछे क्या हो रहा होता है, ठीक है? तो ये हो गए अपने फंक्शंस इम्प्लीमेंटेशन के। अब इम्प्लीमेंटेशन के जब तुम ये सब कर लेते हो ना, तो और क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो भी तुमने स्टैक्स एंड क्यूज में सीखा था इम्प्लीमेंटेशन में, उसी वाइज से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे मिन स्टैक है, तो हमें मिनिमम जल्दी से जल्दी चाहिए ऑर्डर वन में, तो एक मिन स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का क्वेश्चन होता है। तुम यहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, जो तुमने ऊपर करा है उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, बट थोड़ी सी वेरिएशन होती है ना? तो ये मिन स्टैक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, बट अब एरे और लिंक लिस्ट से नहीं करना है, अब स्टैक को यूजिंग, तुम्हारे पास दो क्यू है उसके पीछे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? पुश पॉप इम्प्लीमेंट करने है, और क्यू, दो क्यू के एन क्यू डी क्यू फंक्शन दे रखे हैं, उसके थ्रू बिल्ड करना है, है ना? इसमें भी दो इंटरेस्टिंग वेरिएशन होते हैं, एक पुश ऑर्डर वन में होगा और पॉप ऑर्डर एन में होगा, या फिर पुश ऑर्डर एन में होगा और पॉप ऑर्डर वन होगा। सारी वेरिएशन अच्छे से कर लेनी है, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है, तुम कितना भी अच्छे से कर लो, तुम्हें इंटरव्यू के टाइम फ्रेश पर्सपेक्टिव से सोचना ही पड़ेगा, है ना? तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना, पूरा अच्छा लॉजिकल माइंड लगता है और हमें समझ में आता है कि कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी की एक और दूसरी वेरिएशन है क्यू यूजिंग टू स्टैक्स। अब क्यू का एन क्यू डी क्यू इंप्लीमेंट करना है और हमें दो स्टैक गिवन है, मतलब दो स्टैक के पुश और पॉप गिवन है, उनको यूज करके एन क्यू और डी क्यू को इंप्लीमेंट करना है। इसमें अगेन दो वेरिएशन होते हैं, एन क्यू ऑर्डर एन, डी क्यू ऑर्डर वन, या फिर एन क्यू ऑर्डर वन एंड डी क्यू ऑर्डर एन। तो सारी वेरिएशंस अच्छे से कर लेना, तो इन दो में इफेक्टिवली तुम्हारे चार क्वेश्चंस बन जाते हैं रेदर देन टू क्वेश्चंस, है ना? और कोई भी पूछा जा सकता है, तो हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर सिमिलरली हमारे पास ना दो स्टैक गिवन है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बन जाता है कि पुश पॉप करना है तुम्हारे पास, लाइक पुश इन फर्स्ट स्टैक, पुश इन सेकंड स्टैक, पॉप इन वन स्टैक, पॉप इन सेकंड स्टैक, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और एक ये डी क्यू है,
DQ की इंप्लीमेंटेशन आ जाती है इंटरव्यूज में, काफी इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं इसकी भी, बट इंप्लीमेंट DQ भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हो रहा होता है जैसे तुमने स्टैक्स एंड क्यूज करा था, है ना। तो हमें इसको भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए और इसमें भी हम अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यूज में, बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है, हमें अच्छे से कर लेने चाहिए ये इंप्लीमेंटेशन वाइज वाले क्वेश्चंस, है ना, स्किप नहीं करने। फिर उसके बाद आते हैं कुछ रिवर्स के क्वेश्चंस, है ना, जैसे तुम रिवर्स एंड लिंक्ड लिस्ट पढ़ते थे, रिवर्स एंड एरे पढ़ते थे, ऐसे ही स्टैक्स एंड क्यूज के कुछ रिवर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्यू को रिवर्स करना, है ना, जो क्यू में था एग्जिस्टिंग क्यू को ही अगर 1 2 3 4 5 पढ़ा था तो उल्टे ऑर्डर में कर देना, कि अगर 1 2 3 4 5 पढ़ा था, अगर पहले 1 निकल रहा था तो मैंने रिवर्स कर दिया तो पहले 5 निकलेगा, तो रिवर्स अ क्यू करना। फिर सिमिलरली रिवर्स अ स्टैक यूजिंग अनदर स्टैक, है ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। फिर रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द क्यू, तो सारे एलिमेंट्स को रिवर्स नहीं करना, मान लो 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 को रिवर्स कर दिया, मतलब वो पीछे चले गए, मतलब 1 2 3 3 2 1 हो गए, राइट, तो उनका ऑर्डर चेंज हो गया, बाकी सब एज इट इज रहा। तो रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द क्यू, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी हम अच्छे से कर लेना चाहिए, तो हम रिवर्स के क्वेश्चंस भी अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे और ये वाले क्वेश्चंस भी इंटरव्यू के प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जब हमने अब रिवर्स के क्वेश्चंस कर लिए, अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज, अब हमने एक स्टैक एंड क्यू के इनबिल्ट कर ली चीजें, अब कहां स्टैक एंड क्यू एक्चुअली यूज होता है, किन एप्लीकेशंस में यूज होता है, ये काफी कॉमन एप्लीकेशंस है। एक तो LRU कैशिंग इंप्लीमेंटेशन, मैं बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू का क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे इंटरव्यूज में LRU कैश की इंप्लीमेंटेशन आई हुई है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, इसमें भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। एक इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, आई थिंक कॉलेज का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और नॉट ओनली लिमिटेड टू कॉलेज, ये इंटरव्यू में भी आ जाता है, बिकॉज अगेन वही पॉइंट है कि तुम्हें इंटरव्यू में ना ये फ्रेश पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सिमिलरली एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की, मान लो एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, मेरे एलिमेंट के बाद नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, मुझसे जस्ट बड़ा कौन है, तो वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसमें एक स्टैक का यूज होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि अगर नॉर्मल करोगे तो एन स्क्वायर में चलता है, बट अगर स्टैक यूज कर लोगे तो ऑर्डर ऑफ एन में चल जाएगा, है ना, तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है ये। सिमिलरली एक वैलिड पैरेंथेसिस, आई थिंक सुना होगा कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दे रखी है उसके अंदर पैरेंथेसिस है, तो क्या वो स्टेटमेंट पूरी वैलिड है या नहीं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैक की एप्लीकेशन है, बहुत जगह यूज होता है ये पैरेंथेसिस वाले में, कि पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और पैरेंथेसिस वालों में जनरली स्टैक बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो थोड़ा सा हमें इस एप्लीकेशन को कर लेना चाहिए। ये चारों बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो हमारे इंटरव्यूज में हमें हेल्प करती है, है ना, तो ये तो हमें करने ही करने हैं। अब कुछ पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जो काफी कॉमन है अमेजोन के लिए, गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं स्टैक्स एंड क्यूज के। एक तो स्टैक गिवन है उसको सॉर्ट करना, राइट, जैसे सॉर्ट एन एरे करते हो, सॉर्ट एन लिंक्ड लिस्ट करते हो, अब स्टैक को एक सॉर्ट करना है ना, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। एक डिलीट मिडल एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, तो स्टैक का जो मिडल एलिमेंट है क्या बेस्ट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम उसको डिलीट कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, अगेन ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। फिर एक एग्जीक्यूशन टाइम का क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा OS रिलेटेड है, बट इंटरव्यू में क्या होता है, OS भी हो गया, स्टैक भी यूज हो गया, तो थोड़ा दिमाग लगा के हमारा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम वाला हमें क्वेश्चन अच्छे से कर लेना चाहिए। सिमिलरली एक फाइंड द नियरेस्ट सपोर्टर है, जैसे हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट करा था वैसे ये नियरेस्ट सपोर्टर होता है, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। और एक ये है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम फॉर एवरी विंडो साइज, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, कि एक विंडो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम है, उनमें से कौन सा मैक्सिमम है, है ना, तो तुम थोड़ा सा ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लो, और तुम्हारे अगर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आई टेक अ गारंटी स्टैक्स एंड क्यूज के क्वेश्चन अच्छे से फोड़ दोगे, है ना, मैंने लिंक भी अटैच कर रखा है, जाके प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, एंड यू विल बिकम ग्रेट इन स्टैक्स एंड क्यूज। ओके, चलो, थैंक यू।